नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत है। तेलंगाना पुलिस ने शुक्रवार को फ्यूचर मेकर चिटफंड धोखाधड़ी के मामले में दो और आरोपी गिरफ्तार किए हैं। उन्होंने फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड के शीर्ष स्तरीय वितरकों के रूप में काम किया है। गिरफ्तारियों की पहचान फतेहाबाद जिले के इंदचोई गांव के राजपाल सिंह और मध्य प्रदेश के सुजलपुर के मुकेश परमार के रूप में हुई थी। एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा है कि राजपाल ने 5वीं तक की पढ़ाई की है और 2015 में मनी मार्केट में शामिल हो गए थे। पुलिस ने कहा है कि राजपाल ने नेटवर्क में 1,00,000 से ज्यादा लोगों को जोड़ा था। इनमें से अधिकतर लोग अलग अलग राज्यों के ग्रामीण इलाकों से अशिक्षित या अर्ध साक्षर गृहिणी और बेरोजगार युवा थे। पुलिस ने कहा है कि स्थानीय बैठकों का संचालन करते थे और अपने निवेश में बड़े और ज्यादा रिटर्न का वादा करके इस योजना में गलत व्यक्तियों को आकर्षित करते थे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि दोनों जो कंपनी के बड़े प्रबंधक थे, करीब राधेश्याम की गिरफ्तारी के बाद फरार थे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि PACL कंपनी से जुड़ी जानकारी आप सबसे पहले पाएं। मेरे फ्यूचर मेकर के सभी लीडर्स, मैं आप सभी लोगों को यार एक बात पूछना चाहता हूँ यार, आप लोगों को एक बात बताना भी चाहता हूँ यार। ये जो दो लोग अरेस्ट किए हैं हमारी फ्यूचर मेकर फैमिली के तेलंगाना पुलिस ने, क्या ये तेलंगाना पुलिस को कल पता चला है कि ये फ्यूचर मेकर कंपनी के लीडर हैं? केस 7 तारीख से तेलंगाना पुलिस में है, तेलंगाना में है, उस दिन से पता नहीं चला उन लोगों को ये कंपनी के लीडर हैं। फिर उन दो लोगों को क्यों गिरफ्तार किया है यार? कंपनी में तो 1.5 करोड़ लोग है ना, अगर उन दो लोगों ने गलत किया है तो ये 1.5 करोड़ लोग है ना, सबने गलत किया है ना, तो सबको पकड़ो, सारे लोग चलो, 1.5 करोड़ लोग चलो तेलंगाना में, सब लोग चलो और क्या कहते हैं तेलंगाना पुलिस को बोलो कि भाई अगर उन दो लोगों ने गलत किया है तो उनके अंडर में हम भी तो हैं, हमारी भी तो टीम है, हमने भी तो गलत किया ना, तो हमें भी अंदर करो। किसको अंदर करोगे? 1.5 करोड़ लोगों को अंदर करोगे? करो यार, हद होती है साले, अब चालबाजी फेंक रहे हैं और कुछ नहीं है ये, बस वो ये कह रहे हैं कुछ मिल जाए। सालों के हाथ कट चुके हैं बिल्कुल, कुछ नहीं रहा आप सालों के पास, कुछ भी ना FDSA वालों के पास ना पुलिस वालों के पास, इसलिए ये सब चालबाजी फेंक रहे हैं। लेकिन भाइयों, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भैया, मैं तुम्हारे जितने भी जो फ्यूचर मेकर के जो लीडर है ना, उनके हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि तुम है ना ये भीख मत मांगो, लोगों से सहारे की भीख मत मांगो। हम खुद सहारा देने वाले हैं, मतलब राधेश्याम जी को, हम सब मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सोचो तुम, ये लोगों से भीख मांगना बंद कर दो, हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम गवर्नमेंट और पुलिस वालों से लड़ सकते हैं। हम भारत की सरकार और पुलिस वालों के खिलाफ 2 करोड़ लोग अगर कार्रवाई करेंगे ना, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ये बात सुनना पड़ेगी। तुम सब फ्यूचर मेकर के जितने भी लीडर है ना, मैं आप लोगों कह रहा हूँ, भीख मांगना बंद कर दो और जमकर अधिकार के साथ कार्रवाई करो। मेरी बात को ये नोट कर लो तुम, शायद तुमने किताबें नहीं पढ़ी होगी कानून की और अधिकार की। अपने अधिकार की किताबें पढ़ी है? मैंने पढ़ी है, मुझे पता है जनता को कितना अधिकार है, कितना कुछ करने का अधिकार है जनता को। इसलिए मैं सबसे कह रहा हूँ, मेरे भाई हो, ये भीख मांगना बंद करो और ये है ना अपने चेहरे को उतार कर बात करना बंद करो, चेहरे पे अच्छे भाव लाओ और हिम्मत के साथ बात करो। तेलंगाना सरकार कोई बड़ी भारी सरकार नहीं है, तेलंगाना कोई बड़ा भारी पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है जो हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। 2 करोड़ लोगों को अगर बेरोजगार करते हैं, 2 करोड़ लोगों को अगर घर उजाड़ते हैं, और अगर उनको ऐसा लग रहा है कंपनी में पैसा कहाँ से आ गया, तो उनको जवाब दो ना, हमने प्रोडक्ट खरीदे, अभी तो हमने ढंग से प्रोडक्ट ही नहीं खरीदे, सब पैसा हमारा जमा है वहाँ पे। तुम छानबीन किस बात की कर रहे हो तुम? क्या भारत सरकार को फ्यूचर मेकर कंपनी राधेश्याम पटेल जी, राधेश्याम जी टैक्स नहीं दे रहे क्या? अरे तुम बोलना तो सीखो, सबकी नजरें झुक जाएगी, सब ऐसे मिट्टी खोरेंगे। हमारा पैसा है, जनता का पैसा, अगर तुम इस तरीके से देखते रहे ना मेरे भाई बहन, तो ये पैसा सरकार डुबा जाएगी, और सरकार तो रास्ते ही दे रही है, देख रही है, क्योंकि यहाँ की सरकार तो भूखी और नंगी होती है। भारत की यहाँ जो भी नेता बनता है तो सब अपना घर भरता है। यहाँ पुलिस वाले देखो तो पुलिस वाले वर्दी पहनते हैं सिर्फ अपना घर भरने के लिए भरते है, किसी जनता को सहारा देने के लिए नहीं, कोई फरियादी का उसको सहारा देने के लिए नहीं काम करती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सब फ्यूचर मेकर के जितने भी बंदे हैं ना भाई, जो मेरी बात पे गौर करो और एक जगह बैठ कर अनशन करो और लड़ो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि PSL से जुड़ी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे।